आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को नगर निगम परिसर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मानदेय बढ़ाने और बकाए मानदेय भुगतान की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने कहा, आज आप लोग किस मांगों को लेकर बैठे हैं? हम आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य बोल रही हूँ और ये गोरखपुर के नगर निगम परिसर में आज अपनी लंबित मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारा डिमांड है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, मेरे जायज मांगों को पूरा करें, सेवा शर्तों में सुधार लाए। हम लोगों को जो खाद्यान्न वितरण करने के लिए व्यवस्था दी गई है, आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले लाभार्थियों को जो खाद्यान्न दिए जाते हैं उसमें समूह को जोड़ दिया गया है, वहीं उसी जगह गाँव की रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसी गाँव की रहने वाली समूह की महिलाएँ, एक समूह में 12 महिलाएं होती हैं जो खाद्यान्न वितरण के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक आंगनबाड़ी के साथ 12 महिला खड़ी होकर के वो अपनी हिस्सेदारी वहां बंटवाने लगती हैं और जितना मात्रा में हमें खाद्यान्न चाहिए बच्चों को वितरण करने के लिए उतने मात्रा में खाद्यान्न भी नहीं मिल रहा है, उसी में समूह भी जुड़ गया है, प्रधान भी जुड़ गए हैं, उसी में और भी लोग जुड़ गए हैं, उसी में कोटेदार जुड़ गए हैं, जिससे तमाम समस्याएँ आ रही है। काम के करने की जो समस्याएँ हैं वो दिन प्रतिदिन उलझते चली जा रही है। विभागीय अधिकारी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से योजनाओं को सही रूप से संचालित किया जाए कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक आराम से पहुंचे। बीच में कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुरी तरह से पिसी जा रही हैं, अपने विभागीय कार्यों के साथ साथ अन्य कार्य, बीएलओ की ड्यूटी, निर्वाचन का कार्य, कोटेदार के यहाँ से राशन वितरण का कार्य, स्वास्थ्य विभाग का कार्य, कोरोना में फ्रंटलाइन वर्कर का कार्य, तमाम कार्य कर रही हैं और उनको कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जो हमारा मानदेय 5,500 रुपया वह भी समय से नहीं दिया जाता और 5,500 रुपये में इस महंगाई में काम नहीं चलने वाला। इसलिए पुनः एक बार हम लोग धरने के माध्यम से एक दो दिन का ये धरना हमारा है।